भारत में चीन के उपराजदूत एम झांगियू 4 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। एम झांगियू ने सोमवार को रांची नगर निगम ऑफिस में मेयर आशा लकड़ा से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक टूरिज्म को बढ़ावा देने समेत विकास के कई मुद्दों पर बातचीत हुई। चीन के उपराजदूत ने रांची के मेयर को 2016 में चीन आने का न्योता दिया। साथ ही उन्होंने रांची में निगम के काम की सराहना भी की। तो आपको बताएं कि झारखंड दौरे पर है उपराजदूत, चीन के उपराजदूत जो है वो झारखंड के दौरे पर है। एम झांगियू ने रांची नगर निगम की तारीफ की है। टूरिज्म और विकास के मुद्दों पर करीब 1 से 1.5 घंटे तक वार्ता हुई है उनकी, और झारखंड में असीम संभावनाओं की बात भी उन्होंने की है। It's developing very fast and I'm very much impressed with the progress Ranchi has made in the past few years, and I believe Ranchi will become a very large metropolis in the eastern region, more prosperous, and Ranchi will be larger and more development will be happening here, and it has a great future. जो चीन के उपराजदूत हैं माननीय मा झांगियू, उन्होंने एक विजन लेकर के आए हैं कि रांची में जिस तरह से विकास हो रही है, और हर फील्ड में, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्रियल का एरिया हो, या हर क्षेत्र को, एक एक क्षेत्र को लेकर के उन्होंने देख रहे हैं। और देखने के बाद ऐसा कह रहे हैं कि हमारा जो समन्वय होना चाहिए चीन और भारत के बीच में, चाहे चीन और झारखंड में या चीन और रांची के साथ में, तो हम दोनों तरह का डेवलपमेंट को हम देखना चाहते हैं। तो इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता आशुतोष सिन्हा। आशुतोष, जानना चाहेंगे कि चीन आने का न्योता दिया गया है, साथ ही साथ जमकर तारीफ भी की गई है झारखंड की, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से कल एम झांगियू जो अपने 4 सदस्यीय दल के साथ आए थे झारखंड, और कल देर शाम जो है वो रांची नगर निगम के भी ऑफिस में, दफ्तर में आए, और वहाँ जिस तरह से उन्होंने बातें की और जिस तरह से भारत चीन संबंधों को लेकर के उन्होंने खासी दिलचस्पी दिखाई, और खास करके जैसे झारखंड जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 3 आया है, उसके बाद से जो यहाँ अपार संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं उसको देखकर कहीं ना कहीं वो प्रभावित हुए हैं। साथ ही यहाँ जो रांची नगर निगम के जो काम करने के जो तरीके हैं, जो उसकी भी प्रशंसा की और कहा कि जो नगर निगम का जो काम है वो काफी हार्ड वर्किंग होता है, यहाँ के लोग काफी मेहनती हैं, और यहाँ जो टूरिज्म हो चाहे अन्य जो क्षेत्र हो चाहे इंडस्ट्री के क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में जो अपार संभावनाएं हैं उस संबंध में भी बात की, और नगर निगम के साथ जो है कुछ काम करने की भी मनसा जाहिर की। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जिस तरह से झारखंड जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 3 पोजीशन पे आया है, तो उसके बाद से जो है झारखंड को लेकर के जो है लोगों में या कहे विदेशों में जो है दिलचस्पी बढ़ी है कि लोग जो है यहाँ आना आ रहे हैं, चाहे टूरिज्म हो या फिर इंडस्ट्री हो, इन क्षेत्रों में निवेश को लेकर के। और चीन के जो राजदूत या कौंसुलेट जो आए कल कलकत्ता से आए थे, तो उनको जो आए और उसको यहाँ जो फिर उन्होंने देखा समझा, और उसके बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत चीन संबंधों को लेकर के जो है प्लेटफॉर्म जो है तैयार हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये झारखंड के लिए भी अच्छी बात है। मेयर आशा लकड़ा क्या कुछ कह रही हैं कि किस तरह से खुशी जाहिर की है उन्होंने? जी, मेयर आशा लकड़ा ने भी कहा कि जिस तरह से वो यहाँ आए, देखे और यहाँ के जो कामों के नगर निगम के कामों को है उसको देखा, उसको समझा, और उसके संबंध में भी तारीफ की कि यहाँ जो है नगर निगम का जो काम है और जिस तरह से स्मार्ट सिटी को लेकर के यहाँ जो काम चल रहे हैं, और जिस तरह से नगर निगम इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है रांची को सुंदर बनाने में, उसकी भी तारीफ की और कहा कि काफी बढ़िया का काम चल रहा है, और आगे भी अगर चीन से इस संबंध में कोई अगर सहयोग की आवश्यकता होगी। बिल्कुल, इन तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका। तो आपको बताएं कि एम झांगियू ने रांची नगर निगम की तारीफ की है, साथ ही साथ मेयर आशा लकड़ा को चीन आने का न्योता भी दिया है। टूरिज्म और विकास के मुद्दे पर कल उनसे लगातार जो है करीब 1 से 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है, जिसके बाद तारीफ की गई है।